कुछ भी रहो पर एक बात क्या ख्याल रहे, ये शर्मा सर की क्लास है और यहां पर होहा मचाने वाले को मैं छत्ती का दूध याद दिला देता हूं, दांत खट्टे कर देता हूं, ईंट से ईंट बजा देता हूं, समझे? अब चलो पढ़ाई भी अपने अपने ध्यान दो। व्हाट? क्या हुआ पोपो, क्या कर रहे हो? अरे यारो भैया, धीरे बोलो और सामने देख के बात करो, इसके सर पे रोके मारो। लेकिन उससे क्या होगा पोपो? उसे सर को मजा आ जाएगा। फिर तो यारो आज सर को बहुत मजा देगा। सर के सिर पे रॉकेट मारने से सर खुश हो जाएंगे। किसने की शरारत? मैंने पूछा किसकी शरारत है ये? खड़े हो जाओ, उठो, यहां आओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे क्लास में बदमाशी मत करना। मैंने कहा था कि मेरे क्लास में बदमाशी करने वाले को सजा मिलेगी, अब बीज जो भोया वो ही काटो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कान पकड़ के खड़े हो जाओ। ओके सर। हे! मेरे कान नहीं, अपने कान पकड़ने कहा, चलो मुर्गा बन जाओ। मैंने तुम्हें मुर्गे की आवाज निकालने को नहीं कहा था, मुर्गा बन जाओ। सर, यारो को नहीं पता मुर्गा कैसे बनते हैं, आप बता दीजिए, यारो आपसे भी अच्छा मुर्गा बन के दिखाएगा। ठीक है, अभी दिखाता हूं मुर्गा कैसे बनते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मुर्गा कैसे बनते हैं। ओके सर। देखो, पैर ऐसे फैलाओ, हाथ नीचे एंड कान पकड़ लो, ऐसे ऐसे like this. शर्मा सर, ये आप क्या कर रहे हैं? शर्मा सर यारो को मुर्गा बन के दिखा रहे हैं, उसके बाद यारो सेम टू सेम सबसे अच्छा मुर्गा बन के दिखाएगा। नहीं सर, सर वो मैं यारो को मुर्गा बना रहा था सर। व्हाट? सब 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 सर, ये लड़का एकदम शरारती है सर, आप नहीं जानते, इसने नाक में दम कर रखा है सर, इसने मुझे यूं रॉकेट लेके लाइक दिस। व्हाट इज दिस मिस्टर शर्मा? यारो कान पकड़ो और सर को सॉरी बोलो। सॉरी सर। देखा सर? ओके ओके यारो, दोबारा ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? ओके सर, अब ऐसी शिकायत नहीं आएगी, प्रॉमिस। वेरी गुड। और आप मिस्टर शर्मा क्लास शुरू कीजिए, क्या मुर्गा एंड ऑल दैट। हाँ यारो, गो बैक टू योर सीट। ओके सर। और आप क्लास शुरू कीजिए। जी सर। चलो
कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा बच्चा यूनिफॉर्म में। थैंक यू मम्मी। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सुन, ये बात तू वहाँ किसी के सामने तो नहीं कर रहा ना? नहीं मम्मी, जैसा आपने कहा यारो एकदम वैसा कर रहा है, छिपके बात कर रहा हूँ। मम्मी आपने कहा था ना किसी को बताना नहीं है कि मैं एक रोबो हूँ। मम्मी स्कूल में आज यारो को बहुत मजा आ रहा है, आज नए नए गेम्स खेला, बहुत मजा किया। अरे वाह बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आपने यारो को स्कूल आने दिया। मम्मी यारो की बैटरी लो हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बाय मम्मी। अरे रुक ना यारो, मेरी बात तो सुन। देख तुझे इस बात का खास ध्यान रखना है कि तुझे खोल खोल के अपना टिफिन किसी के सामने नहीं खोलना, किसी को चल चल के पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे टिफिन में चार्जर है, खाना नहीं। ओके मम्मी, अपना टिफिन अकेले खाऊंगा। बाय मम्मी, टेक केयर, बाय पापा, बाय यारो, लव लव की लव यू। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच, लग लग के कितना सुंदर लग रहा था ना यारो। स्कूल गया बताओ। वाह भाभी जी वाह, क्या बात, हमने सब देख लिया। सब देख लिया। क्या देख लिया है? यही कि आपने यारो को फोन दिया है स्कूल ले जाने के लिए। यारो को फोन दिया है स्कूल ले जाने के लिए? चतुर्वेदी साहब आप इस वक्त मेरे घर में मेरी लैब में बिना मुझसे पूछे अंदर आए कैसे? अरे आप कमाल बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आ सकते हैं? और आपके लैब में कौन सा हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं जो हम नहीं आ सकते हैं? ये देखो है? सब भंगार भरा हुआ है। रखे नीचे उसको। डोंट टच। अच्छा आप एक बात बताइए कि आपने कैसा फोन दिया है यारों को जिसमें वो खुद दिख रहा है, वो भी एकदम ठो? चतुर्वेदी साहब वो फोन मेरी इजाद है, वो मेरी इन्वेंशन है, यारो मेरा बेटा है, मैंने उसको दे दिया। अच्छा लेकिन यारो पे आप इतना नजर क्यों रखे हुए हैं? चतुर्वेदी साहब वो मेरा बेटा है, मैं उस पर नजर रखूं या नहीं रखूं ये मेरी मर्जी है। देखिए हमको आपकी मर्जी से कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको इतनी ठो है तो आप खुद एडमिशन ले लेते ना स्कूल में, उसके बगल में बैठते, नो प्रॉब्लम। यार अब My God, this marriage is too much. It's really impossible to talk to him, to deal with him. I don't know what to. शांत अग्रवाल साहब शांत। आप ये बताइए कि अभी इस वक्त आप मेरे घर में क्या लेने आए? अरे लेने नहीं, खाने आए हैं। हाँ, हमने यारों को टिफिन ले जाते हुए देखा, तो हमने सोचा कि भाई भाभी जी ने आज कुछ स्पेशल बनाया होगा, तो चलो आज हम वही खाते हैं। हमने गोगी को मना कर दिया कि भाई हम नहीं खाएंगे, हम तो आज भाभी जी के यहाँ ही खाएंगे। तो भाभी जी एक बात बताइए, आज आपने क्या स्पेशल बनाया है जो आपने यारो को दिया है टिफिन में? हमने स्पेशल हाँ आलू के पराठे बनाए थे। अरे बाप रे बाप, आलू के पराठे! भाभी जी हमको आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, अब तो हम खा के जाएंगे यहाँ से, वो भी एकदम ठो। पराठा था मैंने खा लिया, खत्म हो गया, कोई काम है आपको भी जाइए। आप कमाल बात कर रहे हैं यार, हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं और हम तो भाभी जी के हाथ के पराठे खा के जाएंगे। चतुर्वेदी जी, भाभी जी इस बार ना कह के कि बिल्कुल सच कह रहे हैं अग्रवाल साहब, भूखे ना सारे पराठे खत्म हो गए इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, आप आके शाम को आइएगा, मैं आपके लिए कुछ एकदम बढ़िया चीज बना दूंगी, ठीक है? अरे चीज से याद आया भाभी जी कि आप चीज सैंडविच बनाइएगा और उसके बाद बढ़िया भजिया बनाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसे मिर्ची ज्यादा मत डाल दीजिएगा, है ना? अच्छा ठीक है बना दूंगी। ओके हाँ माँ के खा के जाएंगे आराम से, लेकिन आप किसी दूसरे को मत दे दीजिएगा खाने के लिए, समझे ना? हाँ नहीं नहीं आपके लिए रखेंगे। घर में चला आता है बिना बुलाए हुए, खाएगा भी बैठेगा भी। बात सुनिए, उन्होंने कुछ देखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं कुछ नहीं देखा, और देखेगा भी तो समझ में नहीं आएगा उसको। हाँ
वाह, पनीर के पकौड़े। ये क्या है? टिफिन में खाने की जगह खिलौना लेके आया है? यारो के टिफिन में तो चार्जर है, अगर इन लोगों ने देख लिया तो यारो क्या जवाब देगा? मम्मी को वादा किया था कि वो किसी को पता नहीं चलने देगा कि यारो एक रोबो है। अरे ये तो नहीं निकल रहा, हमें ही निकलना पड़ेगा, चल। यारो, हमारा तो सब खाना खाया पर यारो का तो फुल टिफिन गायब है। हाँ। बैटरी लो है, टिफिन गायब है। टिफिन नहीं मिला तो यारो खुद को चार्ज कैसे करेगा? पता नहीं वो टिफिन चोर कब पकड़ा जाएगा। अरे यारो, यारो! क्या हुआ बीना जी, बड़ी हिचकियां आ रही है आपको? लगता है कर करके कोई हमें याद कर रहा है। अच्छा जी, हमारे सिवा आपको कौन याद कर सकता है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। क्यों, यारो नहीं है क्या? मुझे पता है, कर करके मेरा यारो ही मुझे याद कर रहा होगा। भाभी जी। अरे भाई भाभी जी, अरे भाभी जी, अरे याद तो हम भी आपको बहुत किया करते हैं, लेकिन आप हमारे नाम की हिचकियां नहीं लेते। चतुर्वेदी साहब, हाँ? अभी कुछ देर पहले आपको बड़ी मुश्किल से धक्के मार के घर से बाहर निकाला है और आप फिर से अंदर आ गए। और कोई तमीज तहजीब नाम की चीज है कि नहीं आपके अंदर? बिना घंटी मारे आप घर के अंदर दाखिल हो गए, ये क्या तरीका आपका? अरे घंटियां तो उन दरवाजों की बजाई जाती हैं जो दरवाजे बंद हुआ करते हैं, और यहाँ तो आपका सब ठो पड़ा हुआ है। हम चले आए और आपने तुम्हें पराठा खाने नहीं दिया, तो हमने सोचा कि आज भाभी जी के हाथ से चाय पी के मैं जाऊंगा, वो भी एकदम ठो। दूध नहीं हमारे घर में। क्यों, राशन वासन नहीं भरवाते क्या यार? बेकार आदमी हो। भरते हैं राशन, पर गोगी जी आती हैं और मांग मांग के ले जाती हैं। देखो ऐसा है कि हमारा पंखा खराब हो गया, तो जाइए किसी मैकेनिक को बुलाइए, ठीक कराइए। अरे वो ये है ना कि आप बड़ी बड़ी मशीनें ठीक करते हैं, तो हमारा पंखा भी ठीक कर दीजिए ना। चतुर्वेदी साहब, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। तो हमारी नजर में दोनों एक ही हैं। देख देख, हम देखते कौन है। देखिए, लगता है कोई शरीफ इज्जतदार आदमी आया है, आने से पहले बाहर घंटी बजा रहा, आपकी तरह नहीं है। हम दरवाजा बंद करके आए थे, समझे ना, तब वो घंटी बजा रहा है। अग्रवाल साहब, ओह माय गॉड, क्या हुआ? लाइए लाइए लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ यहाँ लेटा दो। ये हो कि क्या हुआ, क्या हुआ हमारे यारो को, प्लीज बताइए ना, हो कि हुआ कैसे? देखिए मैडम, एग्जैक्टली क्या हुआ है ये हमें भी नहीं पता है। लंच टाइम के वक्त अचानक से चक्कर खा के गिर गया और हम उसे यहाँ ले आए। अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, जब तक यारो पूरी तरह ठीक ना हो जाए इसे आराम करने दीजिएगा, स्कूल मत भेजिएगा। यारो, यारो। अरे अग्रवाल साहब, अरे क्या बिल्कुल आप ठोके खड़े हैं, डॉक्टर को बुलवाइए ना। छोड़िए आप, मैं अपना फैमिली डॉक्टर बुलवाता हूँ। भाई आपका बेटा मेरा बेटा है भाभी जी। बीना जी, बीना जी। चतुर्वेदी जी।
भाभी जी। अरे सुनिए हमारी बात, काट काट के फोन काटिए। देखिए बच्चा है हमारा, हमें पता होगा कि नहीं होगा क्या इसके बारे में। बाहर गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी की वजह से बेहोश हो गया, बस डोंट वरी। लेकिन भाभी जी स्कूल में तो 1100 बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ इसको ही गर्मी लग गई। आप चल चल के अपने घर चलिए, हम एक काम करते हैं, आज हम बना बना के चाय ला ला के आपके घर में ले आते हैं, फिर वहाँ बैठ के साथ में पिएंगे आप हम और गोगी जी। हाँ गोगी की क्या जरूरत है, अरे गोगी जी तो होंगी ही ना घर पे, तो सब मिलके चाय पी लेंगे। ठीक है भाभी जी, अब फटाफट लेके आइए। ठीक है जल्दी आइएगा। अरे अभी आ रहे हैं, बस जा ही रहे हैं चाय बनाने। इसे क्या हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ है बीना जी, बैटरी खत्म हो गई है। आप एक काम कीजिए, टिफिन में से चार्जर निकालिए और चार्ज कीजिए उसको। अरे इसके बैग में तो उसका टिफिन ही नहीं है जिसके अंदर चार्जर था। ओ समझ गया, लगता है किसी ने टिफिन चुरा लिया इसका, इसलिए बेचारे को तकलीफ हुई है। एक काम कीजिए हटिए, मैं इसको लैब में ले जाके चार्ज करता हूँ। हाँ। आ जाओ। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज कर करके मेरे यारों को ठीक कर दो। और एक काम और करना, जैसे ये ठीक हो जाए प्लीज इसे कहना कि ये कर करके बिल्कुल जिद ना करे कि इसे दोबारा स्कूल जाना है। प्लीज भगवान जी प्लीज। आप जाने दीजिए बीना जी, वो जिद करेगा आपके साथ के स्कूल जाना है और आप करेंगी मेरे साथ कि इसको स्कूल भेजो, मैं जानता हूँ आपको। नहीं अग्रवाल साहब, प्रॉमिस करते हैं हम कर करके ये जिद दोबारा कभी नहीं करेंगे। आप बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए प्लीज। पापा यारो हो के चार्ज हो गया। मम्मी यारो 100% चार्ज हो गया है। अग्रवाल साहब ये होके से क्या हो रहा है और इसके यहाँ से आवाज आ रही है अजीब सी, देखिए ना। एक मिनट मैं चेक करता हूँ जरा। हाँ। बेटा जरा अपनी गर्दन को घुमाओ। ओके बा, बा। यारो जरा यहाँ से वहां तक चल के दिखाओ। वापिस ये हो के क्या हो गया इसे? अग्रवाल साहब प्लीज देख देख के देखिए ना ये कैसे चल रहा है। लेट मी चेक, देखता हूँ नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक क्या है। यारो बेटा अब कैसा फील हो रहा है? हाँ पापा अभी यारो को बेटर लग रहा है। थैंक गॉड। यारो ये क्या कर रहा है? अग्रवाल साहब इसकी आंख को क्या हो गया? अब मैं चेक करता हूँ बीना जी, एक मिनट। क्या हुआ? प्रॉब्लम समझ में आ गई है बीना जी। यारो के सिस्टम में पानी चला गया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।